भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने बयानों को देकर हमेशा फंस जाते हैं। भाई वो कहते तो अपने दिल की बात ही है, लेकिन उनकी दिल की बात कुछ ऐसी होती है कि दूसरों के दिल को लग जाती है। अब भाई उन्होंने क्या किया है आप जानना चाहते होंगे और हम बताना भी चाहते हैं। हाल ही में एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो नए स्टार्स जैसे प्रदीप पांडे, चिंटू, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, इन सब की फिल्में नहीं देखते। अब भाई जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि आने वाली जो जनरेशन है जो कि प्रदीप पांडे, चिंटू, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, अरविंद अकेला कल्लू जैसे कई स्टार्स आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो आप उनको किस तरह से आकलन करते हैं और क्या आप उनकी फिल्में देखते हैं, तो भाई झट से खेसारी लाल यादव ने जवाब दे दिया कि भाई मैं इनकी फिल्में तो नहीं देखता हूँ। भाई यहाँ जरूर मैं इतना कहना चाहूँगा कि खाली रोड है यानी कि खाली सड़क है, जिसे जितना तेज दौड़ना है वो इतना तेज दौड़े और जो सबसे आगे दौड़ेगा वही सुपरस्टार कहलाएगा। भाई ये सब कुछ तो ठीक था, गलत तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आप जरूरी नहीं कि किसी की फिल्में देखें, बट खेसारी जी हम यहाँ ये ज़रूर कहना चाहेंगे ये थोड़ा सा रूडली आंसर था, आपको इसके बजाय कुछ और कह देना चाहिए या यूँ कह ले भाई आप थोड़ा डिप्लोमेटिक बन जाइए। इस तरह से जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप सीधे सीधे एक मुसीबत में फंस जाते हैं और जैसे ही आप उस मुसीबत से निकलते हैं वैसे ही आप लाइव आकर कुछ ऐसा फिर कह जाते हैं कि दूसरी मुसीबत में पड़ जाते हैं। वैसे भी जाते जाते हम यहाँ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी काबिल है, यूँ कह लें कि वो काफ़ी कुछ जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में और अपनी आने वाली जनरेशन को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। भले ही आप इनकी फिल्में नहीं देखते कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है क्योंकि आप एक बिजी स्टार हैं, आप जैसे सीनियर एक्टर ऐसा कहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का यानी आने वाले स्टार्स का मनोबल तो टूटेगा ही। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।